हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमान एकेडमी में। जी हाँ गाइस, आज हम फिर हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे सीटीईटी यानी कि सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि ऑलरेडी एक महीना पहले जो है इसकी एग्जाम कंडक्ट हुई थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सीबीएसई की तरफ से सीटेट कंडक्ट कराया गया था, उसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट से जो है आंसर की जो है ऑफिशियल के तरफ से जो आंसर की जो है जारी कर दिया गया है। आप चाहें तो अपने मोबाइल पे भी सर्च करके डाउनलोड करके जो है आंसर की मिला सकते हो। ये जो है आप देख रहे हो ctet.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस आप जैसे ही ओपन करोगे तो आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाना, यहाँ पे देखो की चैलेंज जनवरी 2021, इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो फ्रंट पे आएगी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है। और यहाँ गाइस यहाँ पे देख रहे हो डाउनलोड ऑफ ओएमआर सीट एंड आंसर की फॉर सीटेट जनवरी 2021, यानी कि जो कि आप जब एग्जाम दिए होंगे तो आपको ओएमआर सीट मिला होगा, उस पर ही आपने आंसर फिल किए होंगे। तो आप चाहें यहाँ से अपना ओएमआर सीट डाउनलोड करना होगा और वहां से आप आंसर की मिला सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी क्वेश्चन पे कंफर्म हो और आपका जो है क्वेश्चन वो आंसर आपका गलत मतलब सीबीएसई की तरफ से जो है गलत करार दिया गया, गलत उसमें बता रहा है आंसर की में, तो आप इसमें से चैलेंज भी कर सकते हो। तो चलिए हम देखेंगे कि ओएमआर सीट आप किस तरह से डाउनलोड करोगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा और चलिए मैं इस लिंक को भी क्लिक कर लेता हूँ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना रोल नंबर जो आपको एडमिट कार्ड में मिला था वो रोल नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपका एडमिट जो है ओएमआर सीट डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लेना, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले से कर रखा है, आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे राउंड नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर, उसके बाद लॉगिन करेंगे। और ये देखो मैंने ऑलरेडी पहले से ओपन कर रखा था गाइस, जो कि ये 84 पेज का जो है आंसर की है। आप यहाँ पे जब एग्जाम दिए होगे या फिर ओएमआर सीट में आपका जो है सेट मिला होगा, आई था या जे था या आर था, पी था, क्या सेट था, तो आप यहाँ पे देख लेना। ये पेपर वन का आंसर की है, जो कि यहाँ पे पेपर वन मेंस यानी कि मेन का है, जो कि दो इसमें मिला होगा, इसमें भी लैंग्वेज हुआ होगा, तो ये मेन पेपर है जिसका भी जो भी सेट रहा होगा तो यहाँ से आप मिला सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे सेट जे है पेपर वन और ये असामीज है, तो जो भी आपका रहा होगा यहाँ पे देखो इस तरह से देख सकते हो, यहाँ पे देखो सेट जे और पेपर वन गुजराती, तो आप यहाँ से आप ओएमआर सीट से आंसर मिला सकते हो। अगर किसी का लैंग्वेज रहा होगा तो लैंग्वेज भी सर्च करना और यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो पेपर वन और ये 11 मराठी, तो ये जो है आंसर की जो है पेपर वन का था। अब हम देखते हैं गाइस पेपर टू का, पेपर टू का भी ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा था। अब यहाँ पे देखो सीटेट जनवरी 2000 की आंसर की है और ये सेट एम का है, जो कि पेपर टू मेन, जो कि मेन जो मैथ है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फर्स्ट में मैथ ही था यानी सेट एम वालों के लिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है आंसर आप दिया है क्वेश्चन नंबर वन का आंसर टू है, टू का वन है, तो इस तरह से आप मिला सकते हो। इसके बाद जो है देखो सेट एम का हम मुझे जाना है लैंग्वेज पे, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, यहाँ पे देखो सेट लिख लो और सेट एम कर दो। और सपोज मुझे करना है जैसे कि सेट, जैसे मैंने कर दिया, और जो भी आपको सर्च करना है देखो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। देखो यहाँ पे मेन, अभी मेन दिया हुआ है पेपर टू का एम, देखो यहाँ पे देखो लैंग्वेज का आ गया है, यानी जिसका इंग्लिश लैंग्वेज रहा होगा तो इंग्लिश आ गया होगा, किसी का हिंदी रहा होगा, किसी का उर्दू रहा होगा, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। ये देखो हिंदी यानी लैंग्वेज हिंदी, ये देखो बंगला, ये गाढ़ो, ये गुजराती, तो आप यहाँ से इस तरह से सर्च करके जो है आप आंसर मिला सकते हो गाइस। ये देखो सेम चीज अगर हम आ जाते हैं इंग्लिश पे, बहुत सारे कैंडिडेट का इंग्लिश ही होता है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से आप ये देखो 91 से लैंग्वेज आपको मिलाना है, जिसका लैंग्वेज रहा हुआ इंग्लिश, यहाँ पे देखो 91 का फोर है ऑप्शन, नंबर फोर आंसर है, 92 का, इसी तरीका से आप आंसर की मिला सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने बात की सीटेट का जो है आंसर की ऑफिशियल साइट से जो है आप डाउनलोड करके आप आंसर की मिला सकते हो। फिर मिलते हैं गाइस हमें एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। और अगर हाँ इस चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो आए अब तक जल्दी से पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।